हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर गीतराज, बीडीएस पीजीडीसीसी। अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, एमडीएस वर्सेस पीजीडीसीसी का टॉपिक है। एमडीएस करना बेटर है कि पीजीडीसीसी करना बेटर है, क्योंकि पीजीडीसीसी जो है बहुत सारा ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स चल रहे हैं, कुछ डेंटल क्लिनिक्स एस्थेटिक क्लिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे डेंटल इस ब्रांच में आ रहे हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस ब्रांच का ये रहता है कि आप एज ए डर्मेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये आधा सच है। एग्जैक्टली ये सच नहीं है। इसी चीज के बारे में मैं आज बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात ये कि टाइमिंग जो होती है, ड्यूरेशन कितना लगा है दोनों कोर्स में। पीजीडीसी करने में 3 महीने लगते हैं, इसका एक अपग्रेड वर्जन है फेलोशिप इन कॉस्मेटोलॉजी, उसमें 6 महीने लगते हैं। एमडीएस करने में 3 साल लगते हैं। पैसे कितने लगे जी में, 50,000 से 1,00,000 रुपये पैसे लग सकते हैं। वही एफएमसी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। एमडीएस में 15 से 30 लाख रुपए तक लगते हैं अगर प्राइवेट से करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं तो कोई बात ही नहीं, बहुत कम पैसे लगते हैं और सैलरी भी मिलती है। बात करते हैं स्कोप की। अब मैं जब बात कर रहा हूँ स्कोप की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। पीजीडीसीसी का स्कोप थोड़ा सा अभी ज़्यादा है कंपेरेटिवली एमडीएस। रीज़न सुन लीजिए, उसके बाद लड़कियों के लिए पीजीडीसीसी जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। रीज़न ये है कि बहुत सारे जो पार्लर्स हैं, बड़े बड़े पार्लर्स, हबीब हो गया या कुछ बड़े बड़े नाम है, वो अब डर्मेट्स को या कॉस्मेटिक फिजिशियंस को, एस्थेटिक फिजिशियंस को अपने क्लिनिक पे बिठाने लगे हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन जा सकती हैं। क्लिनिक्स पे बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे रील्स हैं जिसपे लोग आजकल देखते हैं, तो एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका भी स्कोप अच्छा रहेगा। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। एमडीएस की बात करें तो एमडीएस के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी क्लिनिक है, फिर आप एमडीएस करने जा रहे हो तो थोड़ा कम स्ट्रगल है, फिर क्योंकि आपका क्लिनिक ऑलरेडी सेट है, चीज़ें ठीक है। एमडीएस करके निकलने के बाद क्लिनिक डालना है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, 1 से 1.5 साल लग जाते हैं सेटल होते होते। उस समय में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनकी भी सैलरी आजकल थोड़ी सी कम दे रहे हैं वो लोग कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं। अब बात करते हैं कि जेंडर से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या एमडीएस में या पीजीडीसीसी में? हाँ, जेंडर से पीजीडीसीसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लड़कियों के लिए बहुत बेटर करियर ऑप्शन है, लड़कियाँ इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कर सकती है, मतलब कि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती है इस ब्रांच से कंपेरेटिवली मेल, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं मेनली फीमेल आती हैं, ब्यूटी कंसर्न से आती है, और ब्यूटी कंसर्न के लिए वो फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कंपेरेटिवली मेल्स, तो ऑब्वियसली बात है कि फीमेल्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा इस कोर्सेज से। दूसरी बात कि क्या ये कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी, अच्छा इनकम प्रोवाइड कर सकता है? जी हाँ, बहुत सारे क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस, वो अच्छा कमा रहे हैं, इसी कारण से इसका स्कोप बढ़ रहा है, इसी कारण से इसके क्लिनिक्स में बहुत सारा प्रमोशन चल रही है, क्लिनिक्स अपने आप को एस्थेटिक क्लिनिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें परेशानी यहाँ आ जाती है कि एक छोटा सा बैरियर है जो आपको डर्मेट से सेपरेट करता है, जो आपको क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनाता है या एस्थेटिक फिजिशियन बनाता है, वो जो बैरियर है ना वो बहुत ही पतला है। अगर आप किसी को ब्यूटी कंसर्न के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, किसी को ब्यूटी के बारे में बता रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, या फिर किसी के एस्थेटिक पर्पस के कारण ट्रीट कर रहे हो, तो आप ऐसे एस्थेटिक फिजिशियंस हो। लेकिन वहीं अगर बात आ जाती है डिजीज की, कंडीशंस की, फॉर एग्जांपल अर्टिकेरिया, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ऐसे बहुत से कंडीशंस हैं, छोटे मोटे फंगल इन्फेक्शंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेंटिस्ट्री में भी कैंडिडियासिस वगैरह के ट्रीटमेंट जो होते हैं नॉर्मली उसी ट्रीटमेंट में चलते हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन एलर्जी वगैरह होती है वो हमें पता है एज ए डेंटल सर्जन, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे में बात करूँ कि नॉर्मली डर्मेटाइटिस की ट्रीटमेंट, एक्जिमा की ट्रीटमेंट अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है, आप ट्राई भी नहीं ले सकते हो। दूसरी बात कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो ट्रेंड होता है 2 और ब्रांचेस में, पहला है विंड्रोलॉजी, दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअल डिजीज, ठीक है, उन कंडीशंस में उनके पेशेंट्स भी आपके पास आएंगे, ठीक है, कि सर मुझे यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। अगर आपको 2-3 टेस्ट के बाद ये लगता है कि
ये पेशेंट अर्टिकेरिया का है, ये पेशेंट आपको डर्माटाइटिस का है, ये एक्जेमा का है, तो भैया सीधी सी बात है, आप इस पेशेंट को या तो रेफर कर दो, या तो आप ये कह दो कि सर हमसे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ ब्यूटी कंसर्न्स होते हैं। आप ट्रीट क्या कर सकते हो? आप ट्रीट कर सकते हो मेलेज्मा, आप ट्रीट कर सकते हो फ्रेकल्स, आप ट्रीट कर सकते हो एक्ने, आप ट्रीट कर सकते हो रोजेशिया, ये सारे ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। आप पीर्स कर सकते हो, हाइड्राफेशियल कर सकते हो, पीआरपी कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की, तो भैया हेयर ट्रांसप्लांट ओरल सर्जन ही कर सकते हैं। कोई भी आपको सिखा भी रहा है, आपको बता रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक डेंटिस्ट कर सकता है, बीडीएस की बात कर सकते हैं, एमडीएस में भी ओरल सर्जन ही कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, कहीं और फंसना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हेयर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप फॉलिकुलाइटिस ट्रीट कर सकते हो, हिरोडिज्म जो होता है वो ट्रीट कर सकते हो, आप नॉर्मली हेयर फॉल ट्रीट कर सकते हो, हेयर लॉस ट्रीट कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है, तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए। अब इसके बाद समझ में आता है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, एमडीएस करें, एमडीएस नहीं करना है तो पीजीडीसीसी करना है, पीजीडीसीसी करना है तो क्यों करना है, और करने के बाद क्या आपको बेनिफिट होगा, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, जितना था मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा दे रहा है उससे काम बन जाएगा, तो नहीं, आपको अलग से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको डर्मेटोलॉजी की या फिर कॉस्मेटोलॉजी की नॉलेज के लिए डिफरेंट बुक्स भी पता करने पड़ेंगे, उससे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना नॉलेज इनफ नहीं है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जितना आपको कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो दे रहा है। मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च करना ये आपका काम है, पेशेंट देखना ये आपका काम है, और कौन सा कंडीशन में क्या मेडिकेशन होगा ये जानना भी आपका काम है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप सोच रहे हो 6 महीने में आप कवर करके बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बन जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बहुत दिन के बाद वीडियो आई है, बहुत बड़ा कंसर्न था, बहुत लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे, कुछ इंस्टाग्राम डीएम कर रहे थे, बट मैंने भी ये कोर्स किया है इसलिए कर रहे थे, बट मैंने क्लेरिफाई कर दिया है आपको जितना हो पाया है आज, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल।